उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग इन दिनों दहशत के साए में जी रहे हैं। इलाके में शाम ढलते ही सारी दुकानें बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में छुप जाते हैं और सड़कें सुनसान हो जाती है। आलम यह है मानो देहरादून में लॉकडाउन लग गया हो और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एक तेंदुआ है। देहरादून के सबसे पॉश इलाके केनाल रोड और आसपास के इलाकों में इन दिनों तेंदुए के आतंक ने लोगों को डरा दिया है। यहां आदमखोर तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं और वो जानवरों के साथ साथ आम लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले दिनों तेंदुए ने एक बच्चे को भी निशाना बनाया था जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी है। तेंदुए का आतंक बढ़ता देख पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वन विभाग भी तेंदुए की तलाश में लगा हुआ है और प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, जिसके चलते शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। उत्तराखंड में पिछले दो महीनों में जंगली जानवरों के हमलों में तेजी देखी गई है। सीएम धामी भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। लोगों को अपनी जान के खतरे का डर सता रहा है, लेकिन अब यही है कि कब तक यहां के लोगों को राहत मिल पाती है या ऐसे कब तक डर के साए में लोग जीते रहेंगे।